दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने एंड्रॉइड फोन में साइड से बैक करने वाले ऑप्शन को किस तरह से एनेबल कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली दोस्तों हमारे फोन में तीन बटन होते हैं, एक बैक बटन होता है, एक हमारा रिसेंट टैप बटन होता है और एक हमारा होम बटन होता है। तो इन्हीं के थ्रू हम पूरा कंट्रोल यहाँ पे करते हैं। लेकिन आपने काफी लोगों के फोन में देखा होगा कि उनके फोन में यहाँ पे तीन बटन नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पे गेस्चर वाला ऑप्शन एनेबल होता है, जिससे कि वो अपनी स्क्रीन को साइड से स्वैप करके अपना बैक वगैरह का सारा काम कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों को इसी का प्रोसेस बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने एंड्रॉइड फोन में इस तरह का जेस्चर नेविगेशन वाले ऑप्शन को एनेबल करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अपने फोन में साइड से बैक करने वाला ऑप्शन किस तरह से एनेबल किया जाता है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फोन में साइड से बैक करने वाले ऑप्शन को एनेबल करना चाहते हो, नीचे के तीनों बटन को रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपने फोन की सेटिंग को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप सेटिंग को ओपन करेंगे आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना है और नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा होम स्क्रीन का। आपको सिंपली होम स्क्रीन को ओपन कर लेना है। जैसे आप होम स्क्रीन को ओपन करेंगे अगेन आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्थ नंबर पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सिस्टम नेविगेशन का। आपको इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। अब ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये मैं रेडमी के फोन में बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी और कंपनी का फोन यूज करते हैं और आपको इस तरह से सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपली अपनी सेटिंग को ओपन करना है। ऊपर की साइड आपको सर्च बार मिल जाएगा, यहाँ पे आना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है सिस्टम नेविगेशन। आपको ओनली सिस्टम नेविगेशन लिख के यहाँ पर टाइप करना है तो वही ऑप्शन आप यहाँ से भी सर्च कर पाएंगे। तो सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट हमारा बटन पे सिलेक्ट है। अब इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है गेस्चर का, तो हमें यहाँ पे गेस्चर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से वर्क करता है तो आप यहाँ पे लर्न पे टैप कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से नोट नाउ कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो नीचे आप देख सकते हैं बॉटम से हमारे तीनों बटन यहाँ पे हट चुके हैं, यानी कि हमारे जो डिफॉल्ट नेविगेशन बटन थे वैसे रिमूव हो चुके हैं। अब चलिए मैं आपको बताया था कि वर्क किस तरह से करता है। तो अगर आपको होम स्क्रीन पर आना तो नीचे आपको जो बटन देखने को मिल रहा है इसको आप एक बार इस तरह स्वैप करेंगे तो आप यहाँ पे होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ से किसी चीज को बैक करना चाहते हैं तो जैसे कि चलिए मैं मैसेज बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ, अगर इसको आप बैक करना चाहते हैं तो आप दोनों साइड से कहीं से भी इस तरह से इसको स्वैप करेंगे तो आपका स्क्रीन यहाँ पे बैक हो जाएगी। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रिसेंट टैप में जाना चाहते हैं तो नीचे से ऊपर की साइड आपको इस तरह से लॉन्ग प्रेस करके आना है तो आपके पूरे यहाँ पे रिसेंट टैप ओपन हो जाएंगे। इसका प्रोसेस आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे की साइड पूरे शॉर्टकट आपको बता दिए गए कि आपको किस तरह से यूज करना है। अगर आपको गो टू होम स्क्रीन करना है तो आपको इस तरह से स्वैप करना है। रिसेंट टैप ओपन करना है तो इस तरह से आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है नीचे से ऊपर की साइड स्वैप करते हुए। अगर आपको बैक जाना है तो आप दोनों साइड में इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिगर एप्स एक्शन का ऑप्शन मिलता है, आपको स्विच बिटवीन एप्स का ऑप्शन मिलता है। तो पूरे शॉर्टकट आपको यहाँ पे भी इस तरह से दिखा दिए जाते हैं। तो इसी तरह से अगर आप भी अपने तीनों नेविगेशन बटन की जगह पे यहाँ पे इस तरह का गेस्चर नेविगेशन एनेबल करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।